जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी और भोलेनाथ आपका सदा कल्याण करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी को अटल सौभाग्य का वर प्रदान करें। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखें ताकि हर मौसम में आपकी स्किन खिली खिली रहे। केवल गर्मी में नहीं, केवल सर्दी में नहीं, केवल बारिश में नहीं, हर मौसम में आपकी स्किन खिली खिली रहे। ऐसा हमें क्या करना चाहिए ताकि हर मौसम में हम खूबसूरत और चमकदार दिखें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि हर प्राणी, चाहे वो इंसान है या पशु है, अपने आप में हर प्राणी खूबसूरत है, क्योंकि ईश्वर की रचना कभी भी बदसूरत नहीं होती। हम सभी को ईश्वर ने बनाया है। सबसे पहली चीज़ इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ जाएं कि ईश्वर की रचना कभी नहीं ख़राब होती है और हम सभी ईश्वर की बनाई हुई एक रचना है, तो हम बदसूरत कभी हो ही नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कितना भी गोरा है, काला है, सांवला है, बहुत गोरा है, हर व्यक्ति को अपना फेस अच्छा लगता है। कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार या 5 बार हर व्यक्ति शीशा जरूर देखता है। और सही मायने में खूबसूरत वही होता है जिसके विचार खूबसूरत हैं, जिसकी सोच खूबसूरत है और जो हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम ऐसा क्या करें, अपने फेस पर ऐसा क्या लगाएं, क्या नहीं लगाएं, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, जिससे हमारी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे। तो एक चीज़ तो मैंने बता ही दी कि हम सभी खूबसूरत हैं। अब इस खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें हमेशा खुश रहना है। स्ट्रेस से बचने का प्रयास करें। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा, वो सिर्फ लेडीज़ नहीं, केवल जेंट्स नहीं, लेडीज़ और जेंट्स, आज की जो हमारी भागदौड़ की दिनचर्या हो गई है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर है। तो जब मैं कह रही हूँ स्ट्रेस से बचें, तो कई लोगों का कहना होगा कि भाई देखिए स्ट्रेस तो ख़त्म ही नहीं होता। ये आपकी बात सही है कि स्ट्रेस किसी को ना हो, ये तो आज के डेट में नामुमकिन सा है, लेकिन हर बात में स्ट्रेस लेना, हर बात में टेंशन लेना, ये चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारे बस में नहीं होती हैं, उनको आप ईश्वर पे छोड़ दें और समय का इंतज़ार करें। सही समय आने पर सभी उलझनें अपने आप से सुलझनी शुरू हो जाती हैं। भरपूर पानी पिएं। दिन भर में कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 3-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी से हमारी स्किन में चमक बढ़ती है। स्किन के जो अनावश्यक दाग धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते हैं और फिर ख़त्म होते हैं, इसलिए पानी खूब पीना चाहिए। अगर आपको प्यास कम लगती है तो आप पानी वाले फल खाइए, सब्जियां खाइए, जैसे लौकी, तुरई, खीरा, ककड़ी, इस टाइप के फल और सब्जियां ज़रूर खाएं, तरबूज, खरबूजा, बहुत सारे ऐसे फल हैं। नींद अपनी पूरी लें। अभी मैं आपको फेस पैक भी बताऊँगी, तो आपको नींद भी पूरी लेनी है। अब वैसे तो कहा जाता है कम से कम 7 घंटे की नींद, लेकिन आज के दौर में 7 घंटे की नींद तो बहुत कम ही लोग ले पाते होंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम 5 से 6 घंटा ज़रूर प्रयास करें कि आपकी नींद पूरी हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ स्किन पर आपको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको बता दूँ, आपको बहुत ज़्यादा तला भुना, ऑयली, फास्ट फूड और नॉनवेज जैसी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, परित्याग करना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं हमारी स्किन की चमक को, हमारी स्किन की ग्लो को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती हैं। इन सभी चीज़ों से एक एज आने के बाद में, जैसे 20-25 साल से ज़्यादा जब एज होने लगती है, तो हमारी स्किन के अंदर कील मुहासे होना, कील मुहासे तो देखिए एक 12-13 साल के बाद भी होते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये खाना जो मैं छोड़ने को कह रही हूँ, अगर इस टाइप का खाते हैं तो 20-25 साल के बाद में कील मुहासे, दाग धब्बे, दाने, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पर चालू हो जाती हैं, खुजली होना, पपड़ी पड़ना, इसलिए इस तरह के खाना से परहेज रखें। खट्टी चीज़ें कम से कम खाएं, क्योंकि खट्टी चीज़ें भी स्किन प्रॉब्लम को जन्म देती हैं। अपनी स्किन के ऊपर बिना मतलब मेकअप ना लगाएं। जैसे जब आवश्यक है, आपको कहीं जाना है, कोई पार्टी में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना, उस समय मेकअप आप ज़रूर लगाएं, लेकिन वापस आने के बाद में उतना ही समय अपने मेकअप को निकालने में भी खर्च कर लें। अपने मेकअप को अच्छी तरीके से फेस के ऊपर से साफ़ करके ही
सोएं, फेस को अच्छी तरह धोके। अपनी आंखों के ऊपर बिना मतलब मेकअप ना लगाएं वरना डार्क सर्कल हो जाएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा आंखों के आसपास एकदम डार्क सर्कल होते हैं, काले निशान होते हैं, तो अगर आई मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन जो अधिक मेकअप होता है ये हमारी स्किन को ख़राब करता है, इसलिए जब ज़रूरत हो तभी लगाएं और साफ करके सोएं। अपनी स्किन के ऊपर साबुन कम से कम लगाएं, रोज़ साबुन का इस्तेमाल ना करें। साबुन की जगह आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी। रात को हमेशा चेहरा धो करके सोएं, सुखा करके नारियल का तेल सीरम की तरह अपने हाथ पर लें, इस तरीके से मलें और अपने फेस के ऊपर मल के सो जाएं। आपका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। अगर दाग धब्बे हल्के फुल्के धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आपको एक फेस पैक बता देती हूँ। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच चावल का आटा अगर दाग धब्बे हैं तो, और अगर आपका रंग सांवला है तो भी आप ये फेस पैक लगाइए आराम से। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच गुलाब जल, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें, अपने धुले साफ चेहरे पर लगाएं। आप चाहें तो इसे गर्दन तक लगा लें। 20-25 मिनट के बाद में सादे पानी से धो लें। ये आपको तीसरे दिन लगाना है। जैसे आज आपने लगाया, फिर कल छोड़ दीजिए, परसों फिर लगाइए, फिर एक दिन गैपिंग करके अगले दिन फिर लगाइए। तीसरे दिन इस फेस पैक को आप लगाते रहिए, हल्के फुल्के जो दाग धब्बे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर डार्क सर्कल है तो आप आँखों के आसपास भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आंखों के आसपास लगाएंगे तो पहले पानी से गीला कीजिए 20-25 मिनट के बाद में, हल्के हल्के हाथों से मलते हुए इसको उतारिए, फिर चेहरे को धोइए। अगर आपके फेस के ऊपर झाइयों के निशान है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ी थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर करते रहते हैं तो हमारी स्किन हमेशा चमकदार बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर लगे वीडियो काम की है तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।